कल जैसा प्रयोग कराया था, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिला दें गर्दन के पीछे और कोहनियों को ऐसा सीधा, सिर थोड़ा नीचे, गहरा श्वास लेके। गुरु गोरखनाथ ने टंक विद्या का यह प्रयोग बताया गोरख संहिता में। पीछे की दोनों कोहनियां दोनों हाथ बगल में, अंगूठा बाहर। अब दैविक हास्य प्रयोग। हरिओम 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 हरिओम, पूरी शक्ति के साथ हरिओम 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 हरि ओम मा हरि ओम हरि 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 शिव 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 शंभो। राधे नारायण 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 नारायण। सबका नाश्ता वगैरह बाकी है? आसन हुए कि नहीं हुए? प्राणायाम हुए? आसन में कई प्रकार के आसन है, 84 प्रकार के। धूप वाले धूप बंद कर देंगे अब, भले रख दो वहीं बीच में, रख दो बीच में, बीच वाले रास्ते में रख दो। तो उसमें से 4-5-6 आसन बड़े मुख्य हैं। एक सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, भद्रासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, मयूरासन, ये 5-7-10 जो आसन हैं वो भी अगर ढंग से हो जाएं तो बड़ा फायदा होता है। आसन है न रजोहंती, आसन करने से रजोगुण का नाश होता है। बापूजी का रोज का नित्य क्रम है, बिना आसन किए कुछ नहीं लेते। पाद पश्चिमोत्तान आसन तो 3 मिनट तक करते हैं, तो अभी तो अगर करेंगे तो विलंब हो जाएगा। कल कर लेना, या अपने जीवन में रोज 20-25 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और योगासन नाम की पुस्तक है, उसमें उसके फोटो और उस आसनों की महिमा है। वो पुस्तक हो तो ठीक है, नहीं तो ले लेना, और उसमें जैसा लिखा है वैसा करना चाहिए।
और जो लोग अपने बच्चों को बचपन से ही आसन कराने का अभ्यास करते हैं उनके शरीर में कोई रोग या बीमारी नहीं हो सकती है। आसन से शरीर लचकीला हो जाता है, कमर बुढ़ापे में भी नहीं झुकती, सत्वगुण बना रहता है और सत्वगुण जो बना रहे तो ज्ञान अपने आप अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। सत्वात संजायते ज्ञानम। जितने भी वेद उपनिषद, वेद बोलते हैं अपौरुषेय है, अपौरुषेय मतलब एक पुरुष द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ, कोई 100, 150, 200 ऐसे ऋषि लोग की जिन्होंने देह से ऊपर की अवस्था, मन से बुद्धि से ऊपर की अवस्था में सत्व गुण में स्थिति पाई, जो भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में कहा ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जिन्होंने ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति पाई, ऐसे ऋषियों द्वारा, महर्षियों द्वारा, ब्रह्मर्षियों द्वारा, तत्ववेत्ताओं द्वारा जो कहा गया है, उनको जो दर्शन हुआ वही वेद है। उपनिषदों में मंत्र हैं, तो उन उपनिषदों में जो मंत्र हैं वो ऋषियों द्वारा, तो उन्होंने अपने सत्वगुण को इतना बढ़ा लिया कि जीव का, जगत का, ईश्वर का ज्ञान उनको स्वतः भीतर प्रस्फुटित हो गया। तो हम लोग भी अगर रजोगुण तमोगुण को मिटाकर सत्वगुण को बढ़ाने का उपाय करेंगे जैसा शास्त्रों में लिखा है तो हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान प्रकट हो जाएगा।